मंडावा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीगड़ा में और सीगड़ा ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो आप यहाँ के हालात देख पाओगे और यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है जिन्होंने मुझे बताया तो उन्हीं में भी भारी आक्रोश है। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊंगा ये पानी की टंकी, जिसके हालात आप देख पा रहे होंगे, पाइप भी लगा हुआ है। किसी समय यहाँ से लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होती थी, लेकिन ये जो व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे, ये टंकी वो है कि इसमें रात को जो आवारा पशु हैं वो बैठते हैं, ये पानी की टंकी गांव में पानी पिलाने का काम किया करती थी। कर रहे हैं आगे, तो ये सामुदायिक भवन टाइप का कोई है? हाँ, सामुदायिक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सफाई देखो क्या है। आप ये अच्छा, इसमें घुस के आपको ये लगेगा कि जैसे किसी खुले खेत में हम आ गए हों, और ये जो सरकारी पैसे से ये जो बना हुआ है, ये सामुदायिक भवन है और ये जो कचरा पट्टी यहाँ की है, ये देख के आपको नजारा लग रहा होगा कि ग्राम पंचायत सीगड़ा में कैसे क्या हाल रहे होंगे। काफी संख्या में गांव के युवा और बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, वो खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जगह गांव के ही चौक में ही बनेड़ी है, क्या चीज बनेड़ी? यो साहब पुरानो राजा महाराजा का टाइम स्कूल चलिया करती है, मारा दादा परदादा का टाइम। बाद में इन्हें रीटा जी और रामनारायण जी का कार्यकाल में हमारी स्कूल प्रस्तावित होगी। अच्छा, तो बाद दूसरी जगह बढ़िया बिल्डिंग बनवा दी रीटा जी, और बीजा बिल्डिंग में स्कूल चल रही है। तो इन सामुदायिक भवन के लिए, मतलब गांव में जो बारात है, कोई और भी प्रोग्राम है, तो इसका मतलब कमरा बने रही है सर, 1 2 3 4 कमरे बने हुए हैं। सरकारी भवन है जो काफी पुराना था, मरम्मत करके दोबारा बनवाया गया है ये, और दो बड़े हॉल हैं। और ये सामुदायिक भवन इसलिए था कि भाई गांव में जैसे कोई बारात आए या कि कोई ऐसे लोग आए, आपको पता हो पहले गांव में लोग रामलीला करने के लिए बाहर से कलाकार आते थे, ऐसे लोगों के लिए ये जगह दे दी जाती थी गांव के द्वारा कि आप यहां रह सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से आपको शहर में जाके होटल में रहना पड़ता है, गाँव में ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप जब बाहर से गाँव में कहीं आते हो तो लोग इज्जत और सत्कार करते हैं, और अपने गाँव का सामुदायिक भवन है वो उन लोगों के लिए खोल देते हैं। लेकिन यहाँ के जो हालात आप देखोगे, मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी फ्री में भी किसी को यहाँ आदर सत्कार के लिए रोक दिया जाए तो वो घुसना भी पसंद नहीं करेगा। ये हालात यहाँ के हैं, और आज इन ग्रामीणों में जो लोग यहाँ खड़े हैं उनमें गुस्सा है वो इसी बात का ही, गांव में सुविधा दे के भी इसका कुछ हो नहीं रहा। नहीं कुछ नहीं सर, यहाँ पे कोई बारात वगैरह कोई उतार लेते तो यहाँ पे पूरी गंदगी है, इसके लॉक लगा रहता है। आज हमने ये लॉक इस बंदे ने खोला है, कहाँ से चाबी लाया पता नहीं, मैं लेके आया हूँ। किसी के पास इसकी चाबी है, कोई किसी को कुछ नहीं पता। चाबी मैं लेके आया हूँ, अब बताओ। चाबी मैं लेके आया हूँ, ये सफाई देखो क्या है यहाँ पे, है क्या कुछ यहाँ पे, कोई घुस सकता है? यहाँ पावे वगैरह गिलास वगैरह रखे रहते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ। दारू पीते हैं लोग, दारू पीते हैं, सार्वजनिक जगह है, दारू पीते हैं, सार्वजनिक जगह है। शाम को अच्छा जमघट मिल जाएगा आपको, बियर बार टाइप में बढ़िया जमघट लगा रहता है। ये सरकारी है, यहाँ पे कोई काम होना चाहिए, घर का होना चाहिए, बारात उतरे के अंदर ताड़ा रहता है, कोई दारू नहीं पीता है। ये गेट हमेशा ताड़ा बंद रहता है, बंद रहता है, कोई भी बारात आए और कुछ भी आए साफ सफाई करो अंदर। ये अब भी जो हालत है इसमें बारात कैसे उतरेगी? ये जी वो अपनी साफ सफाई करो, अपनी बारात उतारो, जिसको बारात उतारनी है वो साफ सफाई करे। ये है यहाँ की बात, ये है कि जिसको यहाँ रहना है, जिसको यहाँ जो भी करना है वो अपनी साफ सफाई करो। व्यवस्था है यहाँ पे, चार कमरे बने हुए हैं, आराम से रहो। अगर किसी के ज्यादा शराब में के नशे में हो तो वो आराम से सो भी सकता है, क्योंकि गांव ने देख लो आप, ये कमरे आपके सामने, रजाई गद्दे अपने लाने पड़ते हैं या वो खुद को लाने पड़ते हैं। लेकिन आप लैट्रिन बाथरूम देखो कहाँ पे है, वो लैट्रिन बाथरूम।